इंग्लैंड ने ओवल टेस्ट में भारत को 118 रन से हरा दिया। इसके साथ ही उसने 5 टेस्ट की सीरीज में 4-1 से जीत हासिल कर ली। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने सबसे ज्यादा 564 विकेट लेकर दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा को 563 जो विकेट लिए थे उनको पीछे छोड़ दिया। इस टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने पहली पारी में 332 और दूसरे पारी में 423 रन 8 विकेट पे गंवाकर पारी घोषित कर दी। भारत की पहली पारी 292 और दूसरी पारी 345 रन बनाए। दूसरी पारी में भारत की ओर से केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 149 रन बनाए। उनके अलावा ऋषभ पंत ने 114 रन बनाए। ऋषभ पंत के करियर का पहला टेस्ट शतक था। ऋषभ ने शतक छक्का लगाकर पूरा किया। उन्होंने करियर का पहला रन भी छक्का मारकर पूरा किया था। राहुल ने करियर का 5वां टेस्ट शतक लगाया है। वे सीरीज में शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर हैं। राहुल और ऋषभ के अलावा अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा ही दहाई के अंक तक पहुंच सके। भारत के 4 खिलाड़ी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अगर भारत के दूसरी पारी के बल्लेबाजी पर नजर डाली जाए तो इस प्रकार है। लोकेश राहुल ने 149 रन बनाए जो कि रशीद की गेंद पे आउट हुए। फिर शिखर धवन ने 1 रन बनाकर विकेट गंवा दिया। चेतेश्वर पुजारा LBW हो गए शून्य पर ही। विराट कोहली भी खाता नहीं खोल सके और BS2 की गेंद पे आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे भी 37 रन ही बना सके। हनुमान बिहारी भी खाता नहीं खोल सके, स्टोक्स की गेंद पे आउट हो गए। ऋषभ पंत भी मोइन अली के शिकार हुए 14 रन पे। रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे 9 रन पे। ईशान शर्मा ने 5 रन बनाए जो कि BS2 की गेंद पे आउट हुए और मोहम्मद शमी नॉट आउट रहे। इस तरह से भारत ने इस महत्वपूर्ण सीरीज को 4-1 से गंवा दिया। आप देख रहे थे न्यूज व्यूज 360 के स्पोर्ट्स डेस्क की खास पेशकश। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।